बैटल ऑफ सरायघाट। गोरी, गजनवी और मुगलों से टक्कर लेने वाले हिंदू राजाओं के बारे में तो आपने आज तक सुना ही होगा, जैसे पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप और शिवाजी वगैरह वगैरह। लेकिन इन सब कद्दावर राजाओं के अलावा भी एक नाम और है जो शायद अब तक आपने कभी ना सुना हो, लचित, लचित बोरफुकन। ये वो है जिन्होंने मुगल साम्राज्य के बादशाह औरंगजेब आलमगीर की फौज के नाकों तले चने चबा दिए थे। कैसे, कब और कहां, आइए जानते हैं। 1671 ईस्वी मार्च महीने के अंदर ब्रह्मपुत्रा नदी की लंबी चौड़ी घाटी जिसका नाम सरायघाट था, इसी सरायघाट में दो फौजी हथियारों से लैस होकर आमने सामने खड़ी थी। एक फौज थी हिंदुस्तान के कद्दावर बादशाह औरंगजेब आलमगीर की, जबकि दूसरी फौज थी आसाम के छोटे से अहोम साम्राज्य की जिसके कमांडर थे लचित बोरफुकन। दोनों साम्राज्य के फौजी लाखों की तादाद में आए थे, यानी जंग बहुत खतरनाक होने वाली थी। पिछली एक दिहाई से यानी 1662 में जब मुगलों की ओर से मीर जुमला ने आसाम को इन्वेड करना शुरू किया, उसी वक्त से जंग के नगाड़े बज रहे थे। कहा जाता है कि ये मुगलों की आसाम के अंदर आखिरी लड़ाई थी। इस लड़ाई के बाद मुगल आसाम छोड़कर दिल्ली वापस लौट गए थे। इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है? सरायघाट की लड़ाई, लचित बोरफुकन और अहोम साम्राज्य के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अहोम लोग कौन थे? आज का जो आसाम है वहां पर 1228 में अहोम साम्राज्य की बुनियाद रखी गई थी। ये साम्राज्य अगले 600 वर्षों तक आसाम पर राज करता रहा, यानी साल 1826 तक। 600 साल वाकई एक लंबा अरसा होता है। इस साम्राज्य की बुनियाद सुखफा नाम के एक राजकुमार ने रखी थी। सुखफा नाम के ये राजकुमार म्यांमार की पटकाई पहाड़ी को पार करके आसाम में आए थे। धीरे धीरे अहोम साम्राज्य यहाँ बढ़ने लगा और भारत के पूर्वी हिस्से महंग से लेकर आसाम के पश्चिमी हिस्से बारनगर तक एक लंबे चौड़े इलाके पर फैल गया था। इसकी राजधानी कभी गढ़गांव तो कभी जोरहाट पर बदलती रहती थी। इतिहास में अहोम राजाओं को आसाम राजा कहा जाता था और उनके यहाँ उन्हें चाओफा कहते थे, मतलब स्वर्ग का राजा। अहोम के राजा म्यांमार या बर्मा की संस्कृति को मानते थे, लेकिन आसाम में दाखिल होने के बाद उन्होंने हिंदू संस्कृति को अपना लिया, क्योंकि अहोम लोगों को आसाम पर राज करना था और आसाम के लोग हिंदू धर्म को मानते थे। बहुत से हिंदू विद्वानों का कहना है कि अहोम लोग उनके भगवान इंद्र के वंशजों में से एक है। अहोम लोग जब आसाम में राज करने आए तो उनकी तादाद बहुत कम थी, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ने लगे और पूरे आसाम पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। 1901 का सर्वे हमें बताता है कि पूरे आसाम में सिर्फ 10% लोग ऐसे है जो अहोम जाति या अहोम वंश से ताल्लुक रखते हैं। अहोम साम्राज्य में मंत्री या ओहदेदारों को उनकी भाषा में बुरहा गोहेन, बारगोहेन, बोरपात्रो गोहेन, बोरबारुआ और बोरफुकन कहा जाता था। इनमें से बोरफुकन का मतलब है वो जो फौज की कमान संभाले हुए खड़ा हो, यानी मिलिट्री कमांडर। दोस्तों, अहोम साम्राज्य जो 600 साल तक आसाम पर राज करता रहा, जिसको मुगल भी अपने कब्जे में ना ले सके, तो आखिर इस अहोम साम्राज्य का खात्मा कैसे हुआ और किसने किया? तो इसका जवाब यह है कि जब इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी और बर्मा के बीच में जो लड़ाइयाँ, जो कश्मकश चल रही थी, इसी कश्मकश की चक्की ने आसाम के अहोम साम्राज्य को अपने पाटों में पीस के रख दिया। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि 1817 में म्यांमार या बर्मी लोगों ने अहोम साम्राज्य पर हमले करना शुरू कर दिए। कुल मिलाकर 3 बड़े हमले किए गए और इन्हीं हमलों के नतीजे में 1821 में बर्मी लोगों ने अहोम साम्राज्य पर कब्जा कर लिया और पूरा अहोम साम्राज्य बर्मा के नीचे चला गया। फिर कुछ ही वर्षों बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बर्मा को हरा दिया। हारने के बाद बर्मा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक ट्रीटी, एक मुआहिदा साइन किया गया, जिसे ट्रीटी ऑफ यांडाबो कहा जाता है। इस मुआहिदे के तहत ब्रिटिश कंपनी ने बर्मियों के सामने बहुत सी शर्तें रखी। इन शर्तों को बर्मी लोग किसी भी सूरत में ठुकरा नहीं सकते थे और इन्हीं में से एक शर्त ये थी कि अहोम वंश का पूरा साम्राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले कर दिया जाए। ये 1826 का साल था और इसी साल ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हाथों से अहोम साम्राज्य का गला घोंट चुकी थी। ये छोटा सा कच्चा चिट्ठा था कि अहोम साम्राज्य कैसे वजूद में आया और कैसे खत्म हो गया। अब बढ़ते हमारे मेन टॉपिक की तरफ, आइए आपको वापस लेके चलता हूँ 16वीं-17वीं सदी में। तो दोस्तों, इस 16वीं सदी में पूर्वी भारत पर बहुत सी सल्तनतें या साम्राज्य आबाद थे,
जैसे कोच, जयंतिया, मणिपुर और कचारी साम्राज्य वगैरह वगैरह। पूर्वी भारत का उस वक्त सबसे बड़ा साम्राज्य अहोम वंश का था, जबकि पूरे भारत पर उस दौर में मुगलिया सल्तनत का राज हुआ करता था। 16वीं सदी में मुगल साम्राज्य की सरहदें पूरे बंगाल को रोनते हुए सीधे अहोम साम्राज्य की सरहदों से जा टकराई। अहोम लोगों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुगलों की कोशिश शत प्रतिशत यही थी कि अब अहोम्स को भी यानी आसाम को भी जीतकर अपनी मुगलिया सल्तनत का हिस्सा बना लिया जाए। यानी जाहिर है पहला हमला तो मुगलों की तरफ से ही हुआ होगा। दोस्तों, अहोम्स और मुगल्स के बीच में शुरू ही से रिश्ते बहुत खराब चल रहे थे। इसकी बहुत सी वजह थी। पहली वजह यह थी कि मुगल्स कोच साम्राज्य या कोच बिहार को ज्यादा सपोर्ट करते थे, जबकि अहोम्स और कोच बिहार एक दूसरे के दुश्मन थे। दूसरी वजह जो मैंने पहले बताई कि मुगल लोग बादशाह अकबर के दौर से पूर्वी भारत को भी अपनी सल्तनत में मिलाना चाहते थे, और अहोम्स को ये बात मालूम थी कि मुगलों के ये दौड़ते हुए घोड़े कभी न कभी हमारे दरवाजे पर भी दस्तक जरूर देंगे। तीसरी वजह थी गाजा करना, यानी मुगल अपने साम्राज्य को एक्सपांशन करते रहते थे। वो अपने इर्द गिर्द के तमाम राज्यों को जीतते और कभी भी एक जगह रुकते नहीं थे, बल्कि और ज्यादा इलाकों को जीतते ही जाते थे। और ब्रह्मपुत्र नदी का इलाका तो बहुत ही सरसब्ज, खेती बाड़ी करने लायक और तरह तरह के फल देने वाला इलाका था। चौथी वजह थी व्यापारी काफिलों के झमेले, यानी मुगल सल्तनत के व्यापारियों को अहोम साम्राज्य में व्यापार नहीं करने दिया जाता था, और अहोम्स व्यापारियों को मुगल सल्तनत में। इन वजहों में लड़ाई की जो असल वजह थी वो थी कूच बिहार। इसी कूच बिहार से सारी लड़ाइयां शुरू हुई। साल 1615 से ये लड़ाइयां शुरू हुई और 1682 तक चलती रही। छोटी छोटी मुठभेड़े तो होती रही, लेकिन इसी अरसे में 18 बड़े कैंपेन या 18 बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई। इसकी शुरुआत 1615 में कूच बिहार की वजह से हुई थी। हुआ कुछ यूं कि कूच बिहार साम्राज्य के राजघराने के अंदर दो भाइयों के बीच में ये फसाद खड़ा हो गया कि आसाम का अगला राजा कौन बनेगा। दोनों भाइयों ने लड़ झगड़ कर कूच बिहार को आपस में बांट लिया, यानी आधा तेरा और आधा मेरा। लेकिन इससे भी कुछ बात न बन सकी। नतीजा ये निकला कि कूच बिहार के एक भाई को मुगलों का सपोर्ट मिला, जबकि दूसरे भाई को अहोम साम्राज्य का, जिससे करके अहोम और मुगल एक दूसरे के आमने सामने आ गए। ये सिलसिला 1682 तक चलता रहा, जब आखिरकार औरंगजेब ने अहोम साम्राज्य पर हमले करना बंद कर दिया और अपनी फौजी टुकड़ियों को दिल्ली वापस बुला लिया। इस तरह से अहोम्स लोग मुगल सल्तनत से आसाम को बचाने में कामयाब रहे। आइए अब आपको बताता हूँ लचित बोरफुकन के बारे में। साल 1622 में अहोम्स के एक सीनियर गवर्नर मोमाई तामुली बोरबारुआ के घर लचित का जन्म हुआ था। इनके पिता ने इनकी अच्छी तरबियत करवाई थी। पढ़ाई लिखाई के बाद इन्हें जंग लड़ने के तरीके सिखाए गए और इनको बेहतरीन जंगजू बनाया गया। लचित राजा के दरबार में एक ओहदेदार थे। वो राजा के खास सिपाही भी बने और आगे चलकर पूरी अहोम सेना के जनरल भी बना दिए गए। अहोम सेना के कमांडर बनते ही उन्होंने फौज को बहुत मजबूत बनाना शुरू कर दिया। फौजियों को अलग अलग लड़ने की तकनीकें सिखाई, दुश्मनों से टकराने के लिए बहुत से डिफेंस तैयार किए और अपने अहोम साम्राज्य को महफूज करने के लिए हर कदम उठाए जो वो उठा सकते थे। लचित बहादुर और चालाक होने के साथ साथ अपने वतन के एक वफादार सिपाही भी थे। वो चालाकी से जंग के वक्त को लंबा कर देते थे ताकि खुद को लड़ाई के लिए कुछ वक्त और मिल सके। ये भी आपको आगे जरूर बताऊंगा। लचित बोरफुकन की जिंदगी की सबसे बड़ी जंग थी गुवाहाटी के लिए लड़ी जाने वाली जंग, जिसे बैटल ऑफ सरायघाट के नाम से भी जाना जाता है। आसाम के गुवाहाटी का इलाका पहले अहोम्स के पास था, लेकिन 1662 में ये इलाका मुगलों के कब्जे में चला गया, जिसके बाद लचित बोरफुकन ने 1667 में गुवाहाटी को मुगलों से वापस ले लिया और साल 1671 में गुवाहाटी को बचाने के लिए मुगलों से जंग भी लड़ी, और इसी को कहा जाता है बैटल ऑफ सरायघाट। सरायघाट की लड़ाई से पहले अहोम्स के राजा ने लचित बोरफुकन को सोने की हैंडल वाली तलवार दी और कहा कि इस तलवार से मुगलों को हरा कर ही वापस लौटना। बहादुर और चालाक होने के साथ साथ लचित एक निष्पक्ष लीडर भी थे। सरायघाट की जंग से पहले जब वो मुगलों से बचाव करने के लिए अपने डिफेंस को मजबूत कर रहे थे, तो उन्होंने लड़ाई की जगह एक दीवार बनवाने का काम अपने मामा को सौंपा था। उनके मामा ने दीवार बनवाने के काम में लापरवाही बरती और काम अधूरा रखा। लेकिन एक दिन जब लचित अपना डिफेंस देखने पहुंचे, तो उन्होंने पाया कि दीवार का काम तो अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। लचित को ये देखकर अपने मामा पर बहुत गुस्सा आया। उनके मामा ने शायद ये सोचा होगा कि मेरा भांजा
यानी लज्जित तो अहम स्वच का कमांडर है, इसलिए मेरे कबले कोटाले पर आवाज उठाने की किसी की हिम्मत भी नहीं होगी। लेकिन पासा उल्टा पड़ गया और खुद उनके बांजे ने ही यानी लचित बोरफुकन ने ही अपने मामा का सर कलम कर दिया और कहा कि मेरा मामा मेरे देश से ज्यादा जरूरी बिल्कुल नहीं है। लचित बोरफुकन की सख्त मिजाजी और काम के लिए उनकी निष्ठा देखकर पूरी फौज में खौफ दौड़ गया। फौजियों को यह एहसास हो गया कि हालात कितने संगीन है और उनको अपने काम पे यानी डिफेंस पे ध्यान देना कितना जरूरी है। अगर हमें आसाम को मुगलों से बचाना है तो अपने काम पे सही से और पूरे तरीके से ध्यान देना होगा। लचित के बारे में एक और बात बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि सरायघाट की लड़ाई के ऐन मौके पर लचित की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, यहाँ तक कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे, इतने ज्यादा बीमार थे। लेकिन जब लचित ने देखा कि अहोम सेना हार रही है और सिपाही हार कर वापस लौट रहे हैं, तो बीमार होने के बावजूद लचित अपने सैनिकों के साथ एक कश्ती या नाव पर सवार हुए और जंग के मैदान में पहुंच गए। फिर भी कुछ सिपाही अब भी वापस लौट रहे थे। लचित ने कमान कसी और उन सिपाहियों से कहा, अगर तुम्हें मुगलों से डरकर भागना है तो जाओ, भाग जाओ, लेकिन वापस लौटकर राजा को ये बात जरूर बताना कि लचित नहीं भागा। वो लड़ता रहा और अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाता रहा। चाहे मुझे मुगल अपना कैदी बना ले या जान से मार दे, मैं सरायघाट के मैदान जंग से एक कदम भी पीछे नहीं हटने वाला। ये सब सुनकर भागते हुए फौजियों ने भी मैदान जंग में डट जाने का फैसला किया और लचित बोरफुकन अहोम्स की डूबती हुई कश्ती को एक बार फिर से किनारे पर ले आए। अब आइए गहरी नजर डालते हैं बैटल ऑफ सरायघाट यानी सरायघाट की लड़ाई के ऊपर। दोस्तों, मुगल्स और अहोम्स के बीच में 1615 से ही कश्मकश जारी हो चुकी थी। इसी कश्मकश के चलते 1661 में एक बहुत बड़ी मुगल फौज आसाम के अंदर अहोम्स के सामने आकर खड़ी हो जाती है। ये मुगलिया फौज अहोम्स को बुरी तरह से हरा देती है और उनकी राजधानी गहर गांव पर कब्जा कर लेती है। अब हारने के बाद अहोम्स के राजा और मुगलों के बीच में एक ट्रीटी साइन किया जाता है, एक मुआहदा तय किया जाता है, जिसमें मुगलों ने अपनी बहुत सी शर्तें अहोम्स के सामने रखी और अहोम लोगों को वो सारी शर्तें मानना भी पड़ी। ये मुआहदा अहोम्स लोगों के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात थी। इसी मुआहदे के तहत अहोम्स राजा को बहुत से पैसे और बहुत सी दौलत भी मुगलों को देना पड़ी थी। और सबसे अहम बात ये कि इसी लड़ाई में अहोम साम्राज्य का एक अहम हिस्सा गुवाहाटी मुगलों के कब्जे में चला गया। दोस्तों, इसी शर्मनाक हार के बाद अब लचित बोरफुकन को अहोम फौज का कमांडर बनाया गया और इसी लचित बोरफुकन की कमान में अहोम फौज ने 1667 में एक बार फिर गुवाहाटी को मुगलों के कब्जे से छुड़वा लिया। अब ये सारी खबर जब बादशाह औरंगजेब आलमगीर तक पहुंची तो उन्होंने आमेर के राजा मिर्जा राम सिंह को मुगलिया फौज का कमांडर बनाकर अहोम से जंग लड़ने के लिए रवाना कर दिया। मिर्जा राजा राम सिंह ये जय सिंह के बेटे थे, वो जय सिंह जो पहले मुगलिया फौज के कमांडर हुआ करते थे। 1667 में दिल्ली से निकलने वाली मुगलों की इस फौज को आसाम पहुंचने में 1.5 साल लग गए और साल 1669 में ये फौज आसाम में जा पहुंची। उस वक्त अहोम साम्राज्य के राजा चक्रध्वज सिंगा थे। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि लचित बोरफुकन अपनी चालाकी से जंग के वक्त को लंबा कर देते थे, जिससे उनको जंग की तैयारी का वक्त मिल जाता। सो मुगल आर्मी जल्दी जंग शुरू ना करे, इसलिए लचित बोरफुकन ने मुगलों से बातचीत का रास्ता अपनाने का नाटक शुरू कर दिया। लचित बोरफुकन ने अपना एक खबरी या खतीब मुगल कमांडर मिर्जा राजा राम सिंह के पास भेजा और कहा कि अहोम्स लड़ाई नहीं बल्कि बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन असल में लचित बोरफुकन बातचीत नहीं करना चाहते थे, बल्कि बातचीत के बहाने अपना डिफेंस मजबूत कर रहे थे और जंग की तैयारी के लिए कुछ वक्त निकाल रहे थे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इस जंग में मुगलों की तादाद बहुत ज्यादा थी और अहोम्स की तादाद बहुत कम थी, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि सरायघाट की इस जंग में मुगल फौज में 1,06,000 फौजी थे और 20,000 तीरंदाज, जबकि अहोम्स की फौज में जमीनी और नेवी यानी समंदरी फौज को मिलाकर कुल 1,00,000 सिपाही मौजूद थे। मतलब मुगलों के पास सिर्फ 25,000 सिपाही ज्यादा थे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अहोम की नेवी यानी समंदरी फौज बहुत ताकतवर थी। ये फौज ब्रह्मपुत्र नदी के पानी में नावों पर बैठकर जंग लड़ना अच्छे से जानती थी, जबकि मुगलों की नेवी यानी समंदरी फौज बहुत कमजोर थी। उन्हें पानी में जंग लड़ना तो बिल्कुल नहीं आता था। जब लचित बोरफुकन ने अपना खतीब मुगल कमांडर राम सिंह के पास भेजा, उसी अरसे में अहोम्स लोग अपना डिफेंस मजबूत करने में जुट गए थे। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारों पर छोटे छोटे गढ़ बनाकर उनमें तीरंदाज को बिठा दिए गए।
इर्द गिर्द के किलों की दीवारें मजबूत की गई और सब सिपाहियों को अपनी अपनी पोजीशन पर लगा दिया गया ताकि जैसे ही मुगल आर्मी उनके इलाके में दाखिल हो वैसे ही उन्हें रोका भी जा सके और छुपकर उन पर हमला भी किया जा सके। अब दूसरी तरफ राजा राम सिंह अहोम से बात करने के लिए तैयार हो गए। उनको लगा कि शायद अब अहोम फौज से लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली और वो लोग हमारे सामने हथियार डाल देंगे। सो कई दिनों की कोशिशों के बाद जब मुगल्स बात करने को तैयार हो गए तो इस तरफ से लचित बोरफुकन ने आखिरी बार ये जवाब देते हुए कहा कि मुझे और मेरे राजा को आसाम की ये सरजमीन हमारे खुदा ने दी है, इसलिए ये इलाका हमारा है, हम यहाँ से कभी नहीं जाने वाले। अब जाकर मुगलों के कमांडर मिर्जा राजा राम सिंह को ये समझ में आया कि ये सब तो एक बहुत बड़ी चाल थी। सो अब राजा राम सिंह ने हमले करना शुरू कर दिया और लड़ाइयाँ शुरू हो गई। 1669 से 1670 तक ये लड़ाइयाँ लगातार चलती रही। इस लड़ाई में अहोम फौज को बहुत सारे फायदे थे, जैसे उनकी नेवी यानी समंदरी फौज बहुत ताकतवर थी, वो कश्तियों में सवार होकर पानी में जंग लड़ना जानते थे। आसाम की ब्रह्मपुत्रा घाटी में अहोम्स के पास पोजीशन भी मजबूत थी, वो ऊंची ऊंची पहाड़ी टेकरियों से मुगल फौजियों पर हमला कर सकते थे। ब्रह्मपुत्रा घाटी के सारे जंगली रास्तों से भी वो अच्छे से वाकिफ थे। इनके पास सप्लाई लाइन भी बहुत मजबूत थी, खुराक और हथियारों की सप्लाई के लिए पीछे पूरा आसाम पड़ा था। इसके उलट दूसरी तरफ मुगल फौज को बहुत सारे डिसएडवांटेज थे, बहुत से नुकसान थे, जैसे कि मुगलों की नेवी यानी समंदरी फौज बहुत कमजोर थी, ऊपर से उनके सिपाही तो ना नाव चलाने में माहिर थे और ना ही उनमें बैठकर जंग लड़ने के। मुगल यहाँ पर बचाव नहीं हमला करने आए थे, इसलिए जाहिर है उनके पास मजबूत पोजीशन भी नहीं थी। उन्हें एक तरफ आगे भी बढ़ना था और चोटियों के ऊपर बैठे जंगलों के अंदर छुपे हुए अहोम फौजियों के हमलों का मुकाबला भी करना था। सोने पर सुहागा ये कि मुगलिया फौज ब्रह्मपुत्रा घाटी के जंगली रास्तों से भी नावाकिफ थी और आखिरी बात ये कि मुगल फौज कई 100 किलोमीटर दूर से आसाम तक आई थी, इसलिए उनकी हथियारों और खुराक की सप्लाई लाइन भी बहुत कमजोर थी, बहुत दूर थी। दोस्तों ये वो बातें हैं जो कोई भी इतिहास जानने वाला ठुकरा नहीं सकता। ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अंदाजा लगा सके कि उस वक्त हालात किस तरफ थे और किसके लिए ये जंग जीतना आसान था। अब शायद आपको आगे कुछ बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। खैर आगे बढ़ते हैं। इस लड़ाई में अहोम फौज बहुत सी जगहों पर गेरिला युद्ध पद्धति का इस्तेमाल करती थी, यानी बेखबर मुगल फौजियों के अड्डों पर अचानक हमला करके अहोम फौजी वापस जंगलों में छुप जाया करते थे। 1.5-2 साल की इन लड़ाइयों में कई जगहों पर अहोम जीते तो कई जगहों पर मुगलों को जीत मिली। इन छोटी छोटी मुठभेड़ों से तंग आकर आखिरकार मुगल कमांडर राजा राम सिंह ने अहोम्स को ये चुनौती दी कि क्या तुम लोगों में मैदान जंग के अंदर सामने आकर लड़ने की हिम्मत नहीं बची क्या। मुगलों की इस चुनौती को एक्सेप्ट करते हुए अहोम फौज में से 20,000 सिपाही मैदान जंग में उतरे और इनकी बहुत बुरी हार हुई। जिस जगह अहोम लोग हारे थे वो जगह थी आलाबोई। आलाबोई की इस बुरी हार में तकरीबन 10,000 से ज्यादा अहोम सिपाही मुगलों के हाथों मारे गए थे। इतने सिपाही मारे जाने से अहोम साम्राज्य के हालात काफी खराब हो चुके थे, लेकिन अब भी एक बुरी खबर आना तो बाकी थी और वो बुरी खबर थी अहोम साम्राज्य के राजा चक्रध्वज सिंगा की मौत। 10,000 सिपाहियों की मौत के बाद कुछ ही अरसे में उनके राजा की भी मौत हो गई, जिसके बाद उन्हीं के छोटे भाई उदादित्य सिंगा को अहोम का नया राजा बनाया जाता है। उदादित्य सिंगा भी लचित बोरफुकन पर बहुत भरोसा करते थे, इसलिए उन्होंने फौज की कमान लचित को ही सौंपे रखी। अहोम राजा उदादित्य सिंगा, लचित बोरफुकन और पूरी अहोम फौज ने मिलकर ये तय किया कि अब हमें मुगलों के सामने आखिरी जंग लड़ लेनी चाहिए, या तो हम मुगलों को हराकर आसाम से बाहर खदेड़ देंगे या लड़ते हुए ही मारे जाएंगे। सब ने मिलकर ये तय किया कि आखिरी जंग हम वहां लड़ेंगे जहां हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन मजबूत हो और जिसका हम फायदा उठा सके। सो मुगलों से आखिरी जंग लड़ने के लिए आसाम के किला के गुवाहाटी को पसंद किया गया, क्योंकि गुवाहाटी एक पहाड़ी इलाका था जिसके चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ी चोटियां मौजूद थी। यहां पर अहोम फौज महफूज थी और सामने वाली फौज पर आराम से हमला कर सकती थी। दूसरी बात यह कि गुवाहाटी आसाम में घुसने का मेन पॉइंट था। इस गुवाहाटी से गुजरे बिना भारत में से आसाम में दाखिल नहीं हो सकते। अहोम साम्राज्य की राजधानी गहरगांव और जोरहाट भी गुवाहाटी के बाद ही आती थी। असल बात यह कि गुवाहाटी का इलाका ऊंची ऊंची पहाड़ियों से भरा उबड़ खाबड़ इलाका था और यही उबड़ खाबड़ इलाका मुगलों के लिए गले की हड्डी बनने वाला था, क्योंकि गुवाहाटी के उबड़ खाबड़ पथरीले इलाके पर मुगल फौज के घोड़े, हाथी और बाकी साजो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना वाकई मेहनत का और बहुत ही मुश्किल काम था। दोस्तों आखिरी बड़ी वजह ये थी
कि आसाम की ब्रह्मपुत्र नदी जो कई जगहों पर 8 से 10 किलोमीटर तक चौड़ी है, यही नदी जब गुवाहाटी से बहकर निकलती है तो इसकी चौड़ाई सिर्फ 1 किलोमीटर के एरिया में ही सिकुड़ जाती है। यानी बाकी जगहों पर नदी की चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर और गुवाहाटी में नदी की चौड़ाई सिर्फ 1 किलोमीटर। आइए गूगल मैप से आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये नीले कलर की जो लाइन है यही ब्रह्मपुत्र नदी है। आप देख सकते हैं ये कितनी लंबी नदी है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इसकी चौड़ाई भी बहुत ज्यादा है। इस इलाके में ये 8 से 10 किलोमीटर तक चौड़ी है। इसी रास्ते आगे बढ़कर अगर हम गुवाहाटी तक पहुँचे तो अब आप मैप में साफ साफ देख पा रहे होंगे कि यहाँ यानी गुवाहाटी के इलाके में इस नदी की चौड़ाई बहुत कम हो जाती है। इस इलाके में ये तकरीबन 1 किलोमीटर से भी कम चौड़ाई रखती है। और इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे कि मैप में ये जो पहाड़ी इलाका है यही है गुवाहाटी। और मुगल आने वाले थे इसी रास्ते से, तो दोस्तों मुगलों से लड़ने के लिए होम्स ने इस जगह को इन्हीं सारी वजहों के लिए ही पसंद किया था। मुगल फौज को आगे बढ़ने से रोकने के लिए लचित बोरफुकन ने गुवाहाटी में बहुत सी जगहों पर मिट्टी की दीवारें बनवाई। इन दीवारों की वजह से जब मुगल फौज जमीनी रास्तों पर आगे नहीं बढ़ पाएगी तो फिर वो पानी के रास्ते यानी ब्रह्मपुत्र नदी से होकर अंदर आने की कोशिश जरूर करेंगे। इसके लिए मुगलों को अपनी नेवी यानी समंदरी फौज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मुगलों की नेवी यानी समंदरी फौज बहुत कमजोर थी, ये बात लचित बोरफुकन बहुत अच्छे से जानते थे। लेकिन दूसरी तरफ मुगलों की ताकत तो बढ़ रही थी। हुमायूं की सरायघाट की लड़ाई से एन पहले बादशाह औरंगजेब आलमगीर के मामा शाहिस्ता खान, जो बंगाल के सबसे बड़े सूबेदार थे, वो अपनी एक फौज, एक समंदरी फौज, हथियार और बाकी सामान लेकर गुवाहाटी के सरायघाट में पहुंचते हैं। अब राम सिंह और शाहिस्ता खान की फौजें मिल जाने से मुगलों की तादाद थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन मुगल्स और अहोम्स की सेना में कोई ज्यादा अंतर नहीं था। एक तरफ मुगल्स के पास अहोम्स के मुकाबले में बस 20-25 हजार सिपाही ही ज्यादा थे, तो दूसरी तरफ अहोम्स के पास बहुत से एडवांटेज यानी फायदे भी थे। अब इस मैप को देखकर समझिए कि किसकी फौज कहां पर खड़ी है और किसकी पोजीशन कहां पर मजबूत है। ये गुवाहाटी का इलाका है और इसके ठीक सामने है सरायघाट का जंगी मैदान। मुगल फौज इसी सरायघाट से अंदर आने वाली थी और इस एरिया में इस ट्रायंगल के अंदर ही वो समंदरी लड़ाई लड़ी गई जिसे बैटल ऑफ सरायघाट कहा जाता है। दोनों फौजी हथियारों से लैस होकर अपनी अपनी पोजीशन पर आखड़ी हुई, लेकिन अहोम्स फौजियों को एक झटका लगा। जी हाँ, सरायघाट की लड़ाई से ठीक एक दिन पहले अहोम्स फौज के कमांडर लचित बोरफुकन बहुत ही ज्यादा बीमार हो गए। इतने बीमार कि बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहे थे। डॉक्टर्स और तबीबों ने लचित को बिस्तर से उठकर बाहर जाने पर भी मनाई करी थी, लेकिन उस तरफ अहोम्स फौज अपने कमांडर के बगैर ही जंग में उतर पड़ी। और एक वक्त ऐसा भी आया कि सरायघाट में अहोम फौज हारने की कगार पर खड़ी थी। अहोम फौजी सरायघाट का मैदान छोड़कर भाग रहे थे और मुगलों को लग रहा था कि अब वो जीत ही चुके हैं, लेकिन यहाँ पर पासा उल्टा पड़ गया। लचित बोरफुकन को जब ये सारी बातें पता चली तो वो बीमार होने के बावजूद बिस्तर से उठे, कश्ती पर सवार हुए और अपने बाकी लोगों को अपने साथ जबरदस्ती लेकर मैदान जंग में आ पहुंचे। लेकिन अब भी अहोम फौजी मैदान छोड़कर भाग रहे थे। लचित ने भागते हुए फौजियों को एक गुहार लगाई और कहा कि तुम्हें भागना है तो भागो, मैं यहाँ से हरगिज नहीं भागने वाला। फिर चाहे मुगल मुझे कैदी बना ले या जान से मार दे, मैं हरगिज नहीं भागने वाला। लेकिन तुम सब वापस लौटकर हमारे राजा से ये जरूर कहना कि लचित मैदान जंग छोड़कर नहीं भागा और आखिरी सांस तक राजा का दिया हुआ मिशन पूरा करने के लिए लड़ता रहा। अपने बीमार कमांडर की ऐसी दहाड़ सुनकर भागते हुए अहोम फौजी मैदान जंग में वापस पलटे और ऐसे पलटे कि मुगल फौज की खटिया खड़ी कर दी, वो भी ब्रह्मपुत्र नदी के पानी के बीचों बीच। लचित बोरफुकन के मैदान जंग में आते ही अहोम फौजी मुगल फौजियों पर भारी पड़ने लगे और जंग का पासा बिल्कुल उल्टा पड़ गया। अहोम फौजियों ने गुवाहाटी के नदी किनारे से लेकर सामने सरायघाट के नदी किनारे तक अपनी नावों और कश्तियों को एक दूसरे से जोड़कर एक पुल या ब्रिज बना दिया। फिर एक नाव से दूसरी नाव तक फलांग कर नदी के दूसरे किनारे तक चले गए जहाँ पर मुगल फौज ने पड़ाव डाला हुआ था। इसी जगह को सरायघाट कहा जाता है। फिर आनन फानन लड़ाई शुरू हो गई और इसी लड़ाई में एक मुगल एडमिरल मुनव्वर खान को गोली लगी और वहीं पर उनकी मौत हो गई। अपने एडमिरल के मारे जाने की वजह से अब मुगलों की नेवी या समंदरी फौज बिखर गई। इसके अलावा मुगल फौज के 3 अमीर यानी आर्मी जनरल भी सरायघाट की लड़ाई में मारे गए और तकरीबन 4000 से ज्यादा मुगल फौजी भी अपनी जानों से हाथ धो बैठे।
यूं आसाम के अहोम्स बैटल ऑफ सरायघाट में मुगलों पर पारी पड़े और सरायघाट की ये लड़ाई जीत ली। बैटल ऑफ सरायघाट किस दिन हुई थी यह किसी को नहीं पता, लेकिन ये बात जरूर है कि ये साल 1671 के मार्च महीने के अंदर लड़ी गई थी। अब हार जाने के बाद मुगलों के कमांडर मिर्जा राजा राम सिंह अपनी फौज को लेकर पीछे हट गए, यानी साफ साफ कहूँ तो राम सिंह कन्नी कतरा कर 9-2-11 हो गए, भाग गए। लेकिन इस बार तो अहोम्स लोगों की भी खोपड़ी बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी थी, सो उन्होंने मुगलों को यूं ही नहीं जाने दिया बल्कि उनका पीछा किया और मानस नदी तक मुगल फौज को भगाकर अपने राज्य से बाहर कर दिया। अहोम फौज मानस नदी के आगे नहीं बढ़ी क्योंकि उसके आगे का इलाका मुगलिया सल्तनत की सरहद का इलाका था। फिर राजा राम सिंह 1671 के अप्रैल के महीने में अपनी फौज को कामरूप से निकालकर वापस दिल्ली की ओर चल दिए। लेकिन इस तरफ अगले ही साल अहोम्स को एक बड़ा झटका भी लगा क्योंकि सरायघाट की लड़ाई अहोम्स फौज के बहादुर कमांडर लचित बोरफुकन की जिंदगी की आखिरी लड़ाई साबित हुई। जी हाँ, लड़ाई के अगले ही साल 1672 में कालियाबोर नामी जगह पर लचित बोरफुकन की मौत हो गई। लेकिन इनकी मौत के बाद भी अहोम्स और मुगलिया सल्तनत के बीच जंगें होती रही। साल 1679 में मुगलों ने एक बार फिर गुवाहाटी को जीत लिया। उस वक्त अहोम फौज के कमांडर लालुक सोला बोरफुकन थे जो लचित बोरफुकन के सगे भाई थे। जंग की खबर आते ही लालुक सोला बोरफुकन ने गुवाहाटी खाली कर दिया और वहां से निकल गए, गुवाहाटी को मुगलों के हवाले कर दिया। इसके 3 साल बाद 1682 में मुगल्स और अहोम्स के बीच इटाखोली की लड़ाई होती है। इटाखोली सरायघाट के पास ही मौजूद है। ये आखिरी बड़ी लड़ाई थी जो मुगल्स और अहोम्स के बीच में लड़ी गई थी और इस जंग के अंदर भी मुगल्स को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद मुगलों ने फिर कभी भी आसाम पर या अहोम्स पर हमला करने की कोशिश नहीं की और अगले 200 सालों तक अहोम साम्राज्य आसाम पर राज करता रहा। लचित बोरफुकन की चालाकी और बहादुरी को ध्यान में रखते हुए नेशनल डिफेंस एकेडमी ऑफ खड़कवासला ने उन्हीं के नाम पर साल 1999 से अपने कैडेट्स को एक मेडल देना भी शुरू किया, जिसे लचित बोरफुकन गोल्ड मेडल कहा जाता है, जो हर साल NDA पास करने वाले बेस्ट कैडेट्स को दिया जाता है। दोस्तों, आपका इस वीडियो पर मुगल्स और अहोम्स के बीच हुई लड़ाइयों पर और लचित बोरफुकन पर क्या कहना है, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। बैटल ऑफ सरायघाट की लड़ाई के बारे में आप क्या राय रखते हैं, यह भी कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान में रहे। अस्सलाम वालेकुम।